चलो मलाइका मेरा दिल करा एक सैंडविच का बाइट तो मुझे दे दो। आई यार फिर बदतमीजी नहीं करो अपना, मेरा पराठा ले लेना। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुल ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पाइप ना नीचे, ये इस पाइप से बस आज मैंने बिस्तर तोड़ा है। ये देखें यार कितने कपड़े जो है ना स्मूथ निकले। मम्मा क्या सीन है खाने का? किसने किए? मेरी बहनों ने। अब हट जाओ, एक तो मैं जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मेरे बहनों को टापना याद आ जाते कैमरा के आगे से। गाइस सर्दी बहुत हो रही है, मैंने सुबह सुबह हेयर वॉश किया है। यार कितना बोल रहे हैं मेरे घर वाले, मैंने सुबह सुबह हेयर वॉश किया है और मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया, इतनी ठंड है। अभी जाके तुम सर धो के देखो, दांत कांपने वाली है। मैं तो कब से ऐसे अपने अंदर हीट जनरेट कर रही थी। गाइस यू करते हैं ना फिर हीट जनरेट होती है। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं सर्दी कम लगती। हाय गाइस मुंह धो लेते हैं। अरे आंखें मेरी पफी हो रही हैं, नाक भी मेरा मोटा हो रहा है। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह? हाय अल्लाह आज मशीन लगी हुई है, इतनी आवाजें डू 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 आएंगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद मुंह धोइंग एंड टीथ ब्रश करिंग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hope so आप सब ठीक होंगे, ठाक होंगे, fit and fine होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल fit and fine हूँ। सर्दी भी आज की बहुत ही fit and fine हो रही है, आपने देखा होगा, और हाथ मेरे इतने ठंडे लगे पड़े हैं। खैर सुबह के पौने 12 हो रहे हैं, या कह लो दोपहर के पौने 12 हो रहे हैं। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। क्या 11? अच्छा 11 हो रहे हैं, मुझे टेढ़ा टाइम नजर आ रहा था। गैस पौने 12, फिर तो इतनी लेट नहीं हो रहा। 11 खाली है, 11 ना 11 o'clock तो पौने 11 और 11 में फर्क नहीं है मलाइका। सो गाइस मैं जो समझ रही थी शायद 12 हो गए, मुझे ना यूं करके घड़ी से ना यूं करके टेढ़ा नजर आ रहा था, तो मलाइका ने बताया 11 हो गए हो रहे हैं। सो आई एम चिल नाउ कि हम आराम से अब चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं। आप में से जो भी चैनल पर नए हैं तो किस चीज का इंतजार है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप ये ऐसे निकाल के डालते हैं। सो आज जो है ना मशीन लगी, सो मैंने कहा मैं आपको इसको यूज करने का थोड़ा सा तरीका दिखा देती हूँ। ये है सेमी ऑटोमेटिक वाली मशीन, ठीक है। यहाँ पे मम्मा ने कपड़े डाले, कपड़े वॉश हुए, फिर उसके बाद मम्मा ने अभी जैसे मैंने दिखाया इसमें से निकाल कर इसमें डाल दिए, सही है। यह है स्पिनर। अब फिर उसके बाद इसका ये क्या आता है टपड़ा सा, एक सेकंड दिखा। वहां से नल खोला। नली क्यों खोल रहा है? मैं खुद आज मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, तो फिर मैं खुद पहली बार देख रही हूँ जिससे हो रहा है। स्पिन टाइमर लगा दिया, सही है। और अब जो है ना ये कपड़े ड्राई हो जाएंगे इसमें, तो मैंने कहा वॉश हो रहे हैं, वॉश होने के बाद नाश्ता। ये है पराठा जो कि मैं एक बाइट ले चुकी हूँ। ये है हाफ फ्राइड एग जिसको थोड़ी सी सर्दी लग गई है मेरी तरह, और ये है मेरा शामी कबाब जो कि इधर एक और था जो कि मेरी बहन खा चुकी है, और ये है जी मेरी बहन का नाश्ता। चलो मलाइका मेरा दिल कर रहा है एक सैंडविच का बाइट तो मुझे दे। आई यार फिर बदतमीजी नहीं करो अपना, मेरा पराठा ले लेना कसम से। एक सैंडविच कोई तरीका है भीख मांगने का? ब्लॉग में क्यों बदतमीजी करने का? कहां करती है? मेरा पराठा ले लेना तुम, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, आप अपना गजब बेइज्जती है। खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा था भाई ले लेना था। दो यार आई मारो नाश्ता कर रही है। एक बाइट लूंगी मैं सिर्फ क्या मेरा देखो वैसे तो बढ़िया नहीं है। वाह क्या सैंडविच है। अब कल मैं इंशाल्लाह अपनी कॉर्न की रोटी का सैंडविच बनाऊंगी। कल तो मैंने जाना है हॉस्पिटल। गाइस आज संडे, आज लास्ट वीकेंड है, सॉरी टू से। सो गाइस अभी फटाफट से ये नाश्ता कर लेते हैं। सो गाइस नाउ लेट्स टेक अ बाइट ऑफ पराठा विद हाफ फ्राई एग। A few inches later. Guys, मैंने कहा कि मैं ना आपको ये वॉशिंग मशीन तो रोज लगी रहती है, ठीक है ना, तो मैंने कहा मैं आपको आज इसका वर्क दिखा दूँ। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुल ऑटोमेटिक नहीं, ठीक है। सो ना अभी ये देखिए क्लोज दिखाएं, ये कपड़े यहाँ पर सारे धुल चुके हैं, सही है। अब ना मैंने अब इन कपड़ों को ना जैसे वो नहीं होता जैसे हम निचोड़ते हैं या खंगालते हैं वो करना है। हल्के हाथों से तुम निचोड़, बस ऐसे आपने हल्का सा सर निकालना है। मामा अगर मेरी गलती है तो बेइज्जती भी करिएगा, मुझे बता देना।
ये ठीक है, खोल के थोड़ा खोल के डालो, ऐसे गलत डाल दिए थे, मामा ने कैमरा बंद किया था। अब मुझे आगे ये देखें, हल्का सा निचोड़ा, फिर उसको ऐसे खोला, सही, बिल्कुल ऐसे खोलकर और फिर इसमें डाल दिया, सही है मामा? इसी तरह से ये भी, इससे भी सर्फ निकालती हूँ। अल्लाह मेरे हाथ कांप रहे हैं, और मैं रिंग तो उतार दूँ भाई। ये भी डाल दिया इसमें, इसके बाद ना ये देखें, इसकी ये प्लास्टिक आती है मामा, ये ऐसे लगानी है, ये ऐसे लगानी है, जैसे भी लगा दूँ। चलो अब फिर मुझे कहेंगी तुम्हें कुछ आता ही नहीं, अब ये लगे तो सही, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जा। ये गाइस मैंने यूं करके रख दिया, अब ये बंद किया है, दोनों ठीक है, ये बंद हो गया, ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पाइप ना नीचे, ये इस पाइप से कनेक्ट हुआ है, सही है, ये वाला ग्रीन पाइप लगा हुआ है नलके में, अब नलका वहां से खोलेंगे। सो गाइस अब मम्मा ने नलका खोल दिया, सही, टाइमर चला देना, अब ये कपड़े खंगालेगी, निचोड़ेगी, उसके बाद ना इसको मम्मा निकाल देगी, जैसे कि ये दिखा दे मम्मा, ये मम्मा ने ना देखे निचोड़े, ये इसने बिल्कुल मशीन ने ये वाले कपड़े निचोड़े हुए, ठीक है ना? अब जब आपको ड्राई भी करना है ना, तो ये ड्राई भी साथ में करती है, आपने क्या करना है कि इस नल को बंद कर देना है, कपड़े इसी स्पिनर में रहने देने, और स्पिनर का टाइम ऑन कर देना है, ये ड्राई भी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कपड़ों का आखिर में धूप फिर भी जरूर लगाना, हम भी लगाते हैं, क्योंकि वो जो है ना धूप बैक्टीरिया को खत्म करती है, सही है? और साथ में स्पेशली गैस जिन एरियाज में वो होती है ना, बारिश ज्यादा होती है, तो इन एरियाज में जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन में ना, मतलब उसमें आसानी होती है कि बंदा इसी में कपड़े ड्राई करे। अब जैसे मेरी मम्मा ना इसमें कपड़े ड्राई नहीं करती, वो स्पेशली धूप में जाकर टांगती है, ताकि ये सारे बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स वगैरह इस तरह के कुछ ना हो, तो हम तो यूं यूज करते हैं, लेकिन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। डन विद माय मशीन। कौन है ये लोग? सो गाइस ये जो है ना, आप कपड़े डन हो चुके हैं, अब इनको निकालते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यार, कितने कपड़े जो है ना स्मूथ निकले, बिल्कुल ठीक ठाक। अरे अल्लाह, ये मैं ना, ये देखें, बस इसके बाद आपने इस बास्केट में डाल देने। मम्मा सारे निकाल दूँ ना? सही, चलो इनको जो है ना, बस अब आपने ऊपर जाके धूप में हैंग करना है, आपने नहीं, सॉरी मम्मा। हाँ जी, सो गाइस फाइनली मैंने जो है दोबारा से कैमरा उठाया है, और 2:15 का टाइम हो रहा है, और मैंने अभी जोहर की नमाज पढ़ी थी, और मुझे आज इतनी ठंड लग रही है कि मेरी ठंड अभी तक की दूर ही नहीं हुई है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले चाय बना लूँ अपने लिए, चाय पीऊँ, आज सुबह के नाश्ते में चाय भी नहीं पी मैंने, 2:15 हो रहे हैं ना। सो गाइस अब हम चाय बनाएंगे अपने लिए, और मम्मा आप पियेंगी चाय? बना दो भाई, मैंने सूखी सी चाय सुबह की रखी हुई, निकाली थी वो भी, मतलब आप पियेंगी चाय? सो गैस बस हमारे जो कपड़े शपड़े हैं ये भी तकरीबन हो चुके हैं, बस हो गए हैं ना, आप उनको दिखा दें, डन हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैं जो हूँ चाय बनाऊँ, मैं भी पीऊँ, मम्मा के लिए भी बनाऊँ। सबसे पहले हम सारी लाइट्स ऑन कर देंगे, और किचन से बहुत ही ज्यादा खुशबू आ रही है। लेट्स सी, खाने में बन रहा है कीमा एंड मटर, मम्मा ने साथ ही खाना पकने के लिए रखा हुआ है, लेकिन पहले चाय बनाऊंगी। यार ये सफेद क्यों है चाय इतनी? सो इसमें भी मैं और पत्ती डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी चाय का रंग सफेद है। सो गाइस मेरी चाय डन हो चुकी है, और इसका डिजायर्ड कलर भी आ गया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सफेद चाय नहीं पसंद पीना, और ना मतलब थोड़ी थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए कलर में, तो मैं जो हूँ पहले मम्मा को चाय दूँ, फिर अपनी लेके जाकर बिस्तर पे बैठ के पीऊंगी। हाय अल्लाह, कितना प्यारा धुआं आ रहा है, अभी चाय पीती हूँ मैं चाय। ये हैं वो सारे कपड़े जो कि आज धुले थे, और अभी ये सारे तय हो गए, ठीक है? और तय किसने किए? मेरी बहनों ने किए, सही है? बता दिया ना, तारीफ कर दी आपकी, मत करो। सो गाइस, और मैं जो हूँ ना, मैंने आज फुल डे संडे को रेस्ट मारा है, आज नो कुकिंग, बस आज मैंने बिस्तर तोड़ा है, पहले अंदर तोड़ रही थी, अब बाहर सोफा तोड़ रही हूँ। और इसके अलावा जो है, हाँ यार अभी थोड़ी देर पहले गेस्ट आ गए थे, उनके पास भी मैं बैठी थी, गेस्ट के पास बैठकर और उनसे बातें करना, मतलब ये भी तो एक हिम्मत वाला काम होता है। और अभी मैं अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए डाला हुआ है, तो मेरा पिछला वाला व्लॉग जरूर देखना, सही है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। यार मेरी चार्जिंग भी फ़ोन की ख़त्म हो गई है, और मैंने इस वक्त चार्जिंग पे भी फ़ोन को लगाना है, इतना यूज़ करती हूँ फ़ोन यार, मतलब जिस दिन घर में होती हूँ उस दिन तो पूरा दिन वाह फ़ोन पे गुजर जाता है।
सो गाइज अभी फोन को चार्जिंग पर लगा लेते हैं। 2000 years later. गाइज ये मेरा शाश्लिक डन हो चुका है सारा, तब मैंने ना कैमरा ऑन किया आपको दिखाने के लिए कि माय शाश्लिक इज डन। कितनी बार इसकी रेसिपी आप देख चुके होंगे मेरे चैनल पर भी। सो मैंने कहा बस यार काम मुकाओ, काम मुकाने वाला काम कर। यार आमंड ऑयल भी खत्म होने वाला है। मम्मा क्या सीन है खाने का? बस मैं फेस वॉश कर लूँ फिर खा लेते हैं खाना क्योंकि बन तो चुका है। नमाज पढ़ ली, मुझे चेक कर लो। सो गाइस क्लेंजिंग करूँगी मैं फेस की। मैं कहा मुझे टिश्यू पेपर ला दो। यार खाना रेडी हो चुका है, अंदर लग भी चुका है। मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी, अब मैंने स्किन केयर कर ली है। सो अब चल लेते खाना खाने ताकि मैं गरम गरम ही खा लूँ। जरा पागल यार ये क्या है गाइस, इसका कलर चेंज हो गया, इसमें मम्मा ने अंडा डाल दिया। वो बाय बाय टाटा गुड बाय।